अभी तो मेरी सिर्फ इसी से हुई है मुलाकात। अभी तो हम दोनों एक दूसरे को अंदर ही मिले हैं, बट अभी तो मैंने सीन नहीं किया। राजेश आई थिंक राजेश आई मेट एंड आई मेट और कौन आया मुझे पता ही नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ, बट मोस्टली जो एक्टर्स हैं उनको मैं जानती हूँ पहले से। तो सोनी के साथ काम करने में आपने क्या सोचा कि कैसा होगा एक्सपीरियंस? सोनी इज योर फर्स्ट शो विद सब? व्हाट आर यू मैड? आई हैव डन सो मेनी शोज विद सोनी। हां कब से है ये? सोनी के साथ भी किए हैं बहुत, सब सोनी साथ तो बहुत किए हैं। ट्विंकल ब्यूटी पार्लर, तारक मेहता जो मेरा काफी शो था, बहुत सारे शोज किए हैं, कैमियोज बहुत किए हैं मैंने सबके साथ। तो सब इज वेरी कम्फर्ट चैनल, बट ऑफकोर्स सीरियस शो सब में नहीं होते थे। But this is not serious. This is more of a youth-based, serious and youth-based show. Like how Twinkle Beauty Parlor was also like that. Like a youth-based, not a funny show, but a realistic show. So this is also, I feel, realistic show. मजा आ रहा है हमें काम करने में, सबको बहुत मजा आ रहा है, because you don't have to act loud. You just have to be in your real zone and act. और अच्छी टीम है, अच्छे सीन्स लिख के जाते हैं, और चैनल बहुत अच्छा है, जो promotes well and and they also take a lot of experienced actors, which is a very good thing. Yeah. So excluding your real character, real life में आप दोनों में से punctual कौन है? Punctual दोनों ही हैं हम? नहीं? हाँ punctual. मैं हूँ punctual. क्या क्या बातें निकला रहे हो तुम? हमारे producer तो जाएगी यार. Shoot पे आना है. Obviously हम punctual होते हैं. There's no option. हाँ. But otherwise अगर कोई मुझे कहीं party में बुलाते हैं, तो I take a lot of time to get ready. अगर बोला होगा 1 बजे तो आराम से 2 बजे 2:30 बजे पहुँचूँगी. अब समझ गया, इसको party में बुलाने के लिए बोलना पड़ेगा shoot है simple, आ जा. But I'll never do that on my show. And it was more sophisticated. Like, मैं ये नहीं करूँगा करूँगा. I am very sophisticated for sure. And I have my rules कि मैं ये नहीं करूँगी और ये करूँगी. My demarcations are fixed. I don't think it's scary. मेरा तो काफी chill है. पैसा फेंको कुछ भी करा लो. ये काफी chill है. More complaints regarding the situation. Like कि क्या है यार, क्यों है like that. Complaints किसके रहते हैं? मेन मैसेज तो यही है, सुनो देख लेना ठीक है, एंड गिव अस योर फीडबैक। अच्छा लगता है जब मैं फीडबैक सुनने को मिलता है, मुझे बहुत एक्चुअली में फीडबैक आ रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रैक। हां क्या रहा है उनको बताया, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं अबाउट वी आर विद यू, यू आर स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग, और किसी की अब्यूसिव मैरिज रही है उसके दे शेयर देयर थिंग विद मी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, यू नो यू शुड नॉट बी, एंड आई फील फॉर यू, आई फील फॉर योर कैरेक्टर। मतलब माई डी एम इज फुल एवरी डे फॉर द हाउ मेनी पीपल आर विद मी ऑन दिस। आई हैव अ फेस नहीं नहीं, बट मेरा मेरा पास दिखा रहे हैं ना, इवन बिफोर यू केम। हां पिटाई बहुत हो रखी है, करेक्ट करेक्ट। इसलिए तो मेरे को भी बचा लेना, बोलना ऐसा नहीं है कहीं पता लगे कि तू बोल दे हाँ ये लड़का ऐसा ही है। हाँ तो मैंने तुम्हारे कॉमिक वो भी डाले मैं इंस्टाग्राम पे। अब बनाएंगे भी कुछ, आएंगे रील भी बनाएंगे शरीफ वाले। ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन, आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग दिस सीरियस, बट आई होप दैट थ्रू द स्टोरी देयर इज अ मैसेज दैट्स बीन सेंट टू पीपल लाइक दिस, बेसिकली टू और मिल जाए समझ जाए। हां कि कोयल जैसी लड़की भी अगर अपनी अपने बेटे को लेकर भाग सकती है और एकेडमी में छुप सकती है, और वैसे ऊपरी तौर पर वो बहुत स्ट्रांग है, वो सबसे लड़ती है, लेकिन इसके साथ पावर गेम में डर जाती है, और कैसे हमें नहीं डरना चाहिए, यू नो वी हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सो आई थिंक इट विल मोटिवेट पीपल टू डू दैट। आई होप ये भी ठीक हो जाए फिर, हंसी खुशी यू नो गुड एंडिंग हो जाए। व्हाट इज अ गुड एंडिंग? दैट यू बिकम नॉर्मल जहां पे वी हैव अ सेकंड चाइल्ड। हैप्पी एंडिंग। ओके थैंक यू, बाय, सी यू गाइस। थैंक्स सर।